अलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के? तो ये मैसेज मैं आप लोग को छोटा सा देना चाह रही हूँ कि हम लोग जा रहे हैं कराची, क्योंकि पापा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो दिल नहीं लग रहा। बाकी सब भी बुला रहे हैं कि आ जाओ, तो इसलिए थोड़े दिन के लिए ही, लेकिन हम लोग जा रहे हैं कराची। तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा। बस जा रहे हैं, एक अच्छे से जाएंगे इंशाल्लाह ताला, अच्छे से वापस आएंगे, और पापा को भी सेहत तंदुरुस्ती वाला देख कर आएंगे तो अच्छा लगेगा। और ये जो अभी मेरा दिल नहीं लग रहा ना, दिल घबरा रहा है, वो चीज़ भी मेरी ज़रा सही हो जाएगी। तो हम दोनों, हम तीनों जा रहे हैं कराची। चलो चलते हैं, फिर आगे देखें फिर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निदा अहमद खान व्लॉग्स। तो गाइस, आप देख रहे हैं कि मुकद्दस जो इतना पैक हुई हुई है, क्यों पैक हुई हुई है? वो उस टाइम पे पैक होती है क्योंकि हम कहीं जा रहे होते हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं वो जो है आपको हमेशा सस्पेंस मिलता है, तो आज हम सस्पेंस तोड़ेंगे, लेकिन वहां पर जाकर। और ये जो व्लॉग स्टार्ट हुआ है, आप लोग सोच नहीं सकते हैं कितना मजा आने वाला है आपको। इस व्लॉग के एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको इतनी खुशियां मिलेंगी, देखने वालों को, जो हमसे खुश होते हैं उन लोगों को खुशियां मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? मैंने बिल्कुल ऐसे बंद किया कि बारिश भी हो जाए तो कोई टेंशन ना हो, और ऊपर से मैं पहन लूंगी ये। ओके, लेट्स गो। तो चलो चलते हैं, टाइम नहीं जाया करते क्योंकि जाना है तो फिर वापस भी आना है, तो फिर आपको दिखाना चलो भी है कि हो क्या रहा चलो है और कर क्या रहे हैं। चलो 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 कराची जाने के लिए टिकट ले रहे हैं, तो मैं आईडी कार्ड शो करा रहा हूँ, तो देखें टिकट्स बड़ी महंगी है वैसे। 01 01। अच्छा, ये नीचे वाली है, बीच वाली है? बस ये वापस आया। 8,000 से यही बताएगा। इसी में दो है, ये टिकट है। तो भाई हम ले चुके हैं ये पंखा। तो चलो, अब हमारा सफर स्टार्ट हो चुका है कराची का। तो मेरी बेटी, मैं और अहमद आ चलो देखते हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वहाँ किसी को नहीं मालूम कि हम जा रहे हैं मेट्रो ट्रेन कराची। और बाय, हम यहीं पर ही खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं किस चीज का? तो अहमद दिखाएंगे किस चीज का। इस तरफ आए तो भाई इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर हो रही वो है देखो। बारिश। जब हम आए थे तब नहीं हो रही थी बारिश, जब हम जाने लगे यहाँ से तब हो रही है बारिश, तो इस वक्त हो रही है बारिश बड़ी तेज, तो तो हम उसका वेट थोड़ा करेंगे अब बारिश का, वेट कर रहे हैं, थोड़ी कम हो जाए, हल्की हो जाए, तो फिर हम जाएंगे फटाफट घर। चलो वालेकुम। तो भाई आप लोगों को हम ये बता दें, ये तो कंटिन्यू चली रही है वीडियो। तो इस वक्त यहाँ पर देखें, सारे कपड़े निकाले हुए हैं, पैकिंग चल रही है। मुकद्दस के कपड़े मैंने सारे अलग कर दिए, और अहमद के कपड़े निकालने, अभी अपने कपड़े निकालने थोड़े रखेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है सिर्फ एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं, एक हफ्ते के लिए इनको ऑफ भी मिल गया है। यहाँ तो पर जो हमारी पैकिंग जो है वो शुरू हो गई है जाने के लिए, रेडी हो और चुकी है। मुकद्दस की पैकिंग हो गई, इसलिए उसको अंदर पैक कर रहे हैं। खाली कर रहे हैं, कर ही दिया है तकरीबन, और अहमद ने सारा सामान पैक कर दिया। इधर क्यों ला रहे हैं? अच्छा, जाएं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सब कुछ चल रहा है इस वक्त।
तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है हमारी, सिर्फ ये जो एक्स्ट्रा सामान इसमें से कुछ रखा जाएगा, कुछ समेट के अलमारियों में जाएगा और बस। हमारे पास टाइम कितना है मत? 4:30 की गाड़ी है, तो अभी फोन करके पूछूंगा कंफर्म कितने बजे की है, क्योंकि आजकल स्नो भी हो रही है काफी ना। स्नो हो रही है, सॉरी फोग हो रही है, हो जाता है ना कभी लगे हुए काम में। तो ये देखे हैं मेरी बेटी की और मेरी पैकिंग इसमें है, बाकी अहमद का वो छोटा हैंड कैरी है जो सबसे बड़े साइज के है ना उन्हीं का सबसे छोटा हैंड कैरी है, दो नाजुक नाजुक दो लोगों का ये इतना बड़ा है। तो चलो चलते हैं फिर। हाँ चलो चलो। और जहाँ तक रहा मेरा सवाल, तो भैया ये मेरे बाल आ चुके हैं असली वाले कर्ली कर्ली, तो मैं जा रही हूँ अब इनको सीधे करने। तो मेरा स्ट्रेटनर ये रहा, तो ये मेरा स्ट्रेटनर है ऑन है, तो हम चलते हैं ठीक है। बाय बाय। हम जाने की तैयारी कर रहे हैं, सामान हमारा रेडी हो चुका है वहाँ पर सारा, तो बस मुझे सिर्फ अबाया पहनना है। मुकद्दस को रेडी कर दी है, मैं रेडी हो चुका हूँ बस जाने के लिए। नॉर्मल कपड़े पहने, ज़्यादा फैशन वाले नहीं पहने, क्योंकि ट्रेन है, ट्रेन में तो जाना ही होता है, तो वहाँ जाके फिर आपको पता चलेगा कि हम जल्दी सिमट गया है, पूरा घर सिमट गया है, सब कुछ हो गया, सब पूरा घर सिमट चुका है, बस थोड़ा थोड़ा ये बिखरा हुआ है, ये ऐसे ही रहेगा, अभी आने के बाद सही हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलें चलते हैं फिर, हम लोग फिर मुलाकात करते हैं आपसे बाहर, ठीक है जी। तो फाइनली हम सबसे मिल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। तो ये हमारा सारा सामान और अहमद बिजी हैं बड़े, और वो जरा साइड पे होइएगा, वो कौन है वो किटी, ये मेरी की। फाइनली हम लोग स्टेशन तो पहुंच गए हैं और 4 बज रहे हैं घड़ी में, टाइम कोई देख ले इस वाली में, तो पूरे 4 बज रहे हैं और हमारी 4 बजे की ट्रेन है। जल्दी जल्दी भागो, अल्लाह ताला हमारी ट्रेन ना निकले बस। तो मैं बस अभी वीडियो यहीं बंद कर रही हूँ, खैरियत से ट्रेन तक पहुँच जाऊँगी तो ही आप लोग को बताऊँगी। तो फाइनली अब हम लोग पहुँच चुके हैं ट्रेन में, बड़े ही मसला हुआ है, भाग भाग के आए, पूरा 4 बज चुके थे, 4 बज के भी निकल गए थे और हम ट्रेन में ही नहीं थे। पहुँचने के बाद भी बहुत ज़्यादा मसला हुआ है, जो हमारा सीट, हमारी जो सीट थी उस पर हम नहीं हैं, किसी और जगह पर हैं, पता नहीं क्यों, क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। वो ट्रेन की बोगी जो है वो आगे पीछे हो गई थी, तो चेंज करी, जिसकी वजह से लोग ज्यादा हैं और स्पेस कम है। तो हम जिन फैमिली के साथ हैं, मुकद्दस उनके साथ बैठी है, थोड़ी सी मुकद्दस दिखाते बस, वो बैठी हुई तो भाई सरप्राइज देंगे इंशाल्लाह ताला, साथ साथ रहिएगा। होता क्या है, हिल रहा है ना बहुत ज्यादा, क्योंकि ट्रेन चल रही है बहुत ज्यादा ही, ट्रेन हिल रही है भैया। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, तो नहीं थोड़ी देर बाद नहीं, आप पहले बाहर का दिखा के लाएं, दिन का टाइम हो रहा है, अभी अंधेरा हो जाएगा। तो चलें अब आप देखें हम किस ट्रेन में हैं, कैसी ट्रेन में है, दिखने में तो बड़ी अच्छी है लेकिन बड़ा मसला किया इस ट्रेन ने हमारे साथ। चलो आओ चले चले जाएं, आप जाए ना बैठे। तो गाइस ये देखें ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो हालांकि हमने बुक कोई और की थी, तो ये वाली बुक हुई है, खैर ये भी अच्छी ट्रेन की सीट्स हैं। तो काफ़ी शोर शराबा आ रहा है यहाँ पर, मैं क्या बनाऊँ आपको क्या दिखाऊँ। तो ये देखें इस टाइम पर दिन हो रहा है, तो काफ़ी गंदा व्यू आ रहा है, खैर ये हमारा केबिन है आगे वाला, और ये चाय वाला है, चाय वाला। चलो अंदर चलते हैं। ये मेरी शेरनिया, ये है किटी, और पांडा पीछे ही है, ये आ गया सामने, एकदम से आ गया सामने। पांडा मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद इसको दिखाऊंगा बाहर निकाल के थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा ना भाई, यहाँ पे खाना खाया जा रहा है अकेले अकेले, वो भी सुने, तीन तीन औरतें हैं यहाँ पे लेडीज। निवाला अपना बना के पूछ रहे हैं खाएंगे
क्या नाम है आपका? तुराब हसन है। तुराब हसन। तुराब, चलो आओ। तो हम आ गए मुल्तान स्टेशन, तो चलो देखते हैं क्या शॉप दिखाए। ये चीजें ले रहे हैं क्योंकि हम घर के पास से भूल गए थे लेना, भूले नहीं थे, टाइम नहीं था तो रुके नहीं उधर, तो ये यहाँ से ले रहे हैं। चाय पतली पानी लग रही है वैसे तो मुझे, लेकिन चलो ना मुझे चले। ये कह रहे थे सैंडविच लेना है और मैंने इसकी लेने नहीं दिया क्योंकि खुला हुआ सैंडविच था, वो अजीब सा लग रहा था और कितने लोगों ने उस पर हाथ लगाया होगा, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं लेनी जो तबीयत ख़राब करे, इसलिए नहीं लिया। और ये रही हमारी चाय, बोरे चिप्स वगैरह, बस ही काफ़ी है। चलो चलें देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। बाय 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 बाय। बिल्लियों को देखें क्योंकि हमारी किटी तो हमारे जा रही है, तो ये ट्राई कर रहे हैं कि इनको कुछ आ रहा है तो कर लें, लेकिन ये लोग कुछ कर ही नहीं रही हैं, डर रही हैं, बस अंदर ही ले आए। फिर ये खोलें, ये खोलें, बैठ जाओ यार। और एक ये बैठा अंदर डरपोक, जाओ जाओ, खुद ही जा रही है। देखो मैं कह रही थी ना ये इतनी मासूम। हमारा स्टेशन रुका है बहावलपुर रेलवे स्टेशन पे, तो ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है, जैसे शाही महल नहीं होता उस तरह बना हुआ है और बहुत ही कोई प्यारा लग रहा है। नहीं तो अगर दिख जाती है तो ये देखे। ये देखे। वही ट्रेन चल रही है, हॉर्न बज गया है, तो चलते हैं भावलपुर से। ठीक है, ये भाई है, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। चलो चले। दोनों बच्चों को, दोनों बच्चों को भाई ये हंसा रहे, ये भैया इन दोनों के गोद में नहीं आना बस उसको, ये भैया इन दोनों के और ये दोनों दोनों खुश हो रहे हैं। अच्छा भाई फ्रेंड है ये, फ्रेंड गाय दिए। लेकिन सुबह हो रही है और इतनी धुंध हो रही है कि मैं आपको क्या दिखाऊं बाहर का, ऐसी बनी हुई थी। हाँ तो ये देखिए कितनी ज्यादा धुंध है। जी हाँ जी हाँ, तो गाइस हम लोग ऑलमोस्ट कराची जो है पहुंचने वाले हैं, हैदराबाद हमने क्रॉस कर चुके हैं
तो यहाँ पर मैंने सारा सामान पैक कर लिया जो जो सामान रखना था अपना, और निधा की यहाँ पर हालत जो है वो नासाजगार हो गई क्योंकि उसको ना उल्टियाँ आ रही हैं और वोमिटिंग टाइप का इसको हो रहा है। तो निधा कैसा आपको लग रहा है भाई? इसकी तबीयत सही नहीं है निधा की, और क्या नाम है, और इसको देखिए पांडे को मचलने में लगा हुआ है। सुपर पांडे कराची पहुंच गए हैं, फाइनली स्टेशन आया, बस अब कुछ करते हैं। ये हमारा सामान उतरना शुरू हो गया है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं, गाड़ी करने जा रहे हैं अभी, तो गाड़ी करने के बाद जब सुकून से बैठ जाएंगे गाड़ी में तो लोग यहाँ से निकल चुके हैं, तो अब जा रहे हैं घर, तो मिलते हैं घर में, तो तब तक के लिए बाय बाय। ये तो अभी आधा है, हाँ इसके बाद अभी मजीद चलेगा, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है भाई, मुझे मेरी एक्साइटमेंट में कैमरा देखी है थोड़ी हल्की हो गई। बुशरा काम गई, बुशरा मेरा क्यों हल्की क्यों होगी, तुम वैसे ही रहती, वैसे ही रहती ना, फिर थोड़ी इज्जत रख ली थी मुझे। आज आज डैडी पता बहुत देर से इंतजार कर रहे थे आपको। सामान वहाँ पे रखा है, एक मिनट आया, रेडी करिए। हाँ सही, माशाल्लाह डैडी देख रहे, डैडी ब्लॉग देखते हैं आप लोगों का जी, देखा ना इसको तो आपने मूवियों में। सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम। निदा के बचपन का घर है ये। हाँ भाई ये मेरे बचपन का घर है, अभी मुझे एक नीचे लेडी मिली, मैंने कहा मेरी बचपन की फ्रेंड है उसके घर जा रही हूँ मैं अभी। और फिर आपका सुबह 11 बजे से वेट हो रहा है, पौना घंटा कंप्लीट नहीं हुआ। हैदराबाद से कराची ऐसे आई है ट्रेन रिंग रिंग के, बहुत ही स्लो आई है, बहुत सही है। चलो सामान लाते, हाँ हम थोड़े से फ्रेश होके सबसे पहले जूम खाना खाने बैठ चुके हैं। बिरयानी है, मीठे चावल है, और मैं निकाल चुकी हूँ अपना रायता है, जूस है, और कोल्ड ड्रिंक है नगेट्स। तो भाई हम आ गए हैं सभा के घर, और अभी हम जाएंगे 2 घंटे बाद इनके घर, मेरे घर, और फिर करेंगे हम खूब गप की। अभी किसी को पता नहीं है, हाँ है तो अभी किसी को पता नहीं है, तो बड़ा मजा आने वाला है, आगे आगे देखते जाना। तो फाइनली हमने यहाँ पे खाना खा लिया, पेट फुल कर लिया, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया, और अब वहाँ सब जमा हो चुके हैं, तो वहाँ जा रहे हैं, मैंने इसको तैयार करके सुला दिया, तो चलो वहाँ चलते हैं। सारे ये सोच रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा उनको पता नहीं कहाँ से शक हो रहा है, क्योंकि मेरा फोन बंद था कल से सिग्नल्स की वजह से। तो चलो कोई बात नहीं, अभी यकीन तो नहीं होना, अब देखते हैं वहां जाके क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अब वहां जाते हैं, फाइनली यहां से निकल रहे हैं, वहां जाएंगे, वहां जाके क्या क्या होगा हमारे साथ रहिएगा। लेकिन ये व्लॉग तो यहीं तक का है, वहां जाके क्या क्या हुआ
वो आपको पता चलेगा कल के व्लॉग में, तो कल का व्लॉग देखना मत भूलिएगा। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अगर पसंद आए तो लाइक भी करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दें, एक ही बटन है टंग प्रेस कर दें। तो सही है, ईमान रखिएगा। थैंक्स फॉर कमिंग, मुझे बहुत खुशी हुई, अल्लाह बड़ा मजा आया, बड़ा एंजॉय किया, बचपन की यादें और वो सारा माहौल, क्योंकि इनका बचपन यही गुजरा है, मेरा बचपन इनके घर में गुजरा। हाँ बिल्कुल, तो बहुत मजा आया। मैं यही कह रही थी हम यहाँ पे बैठ के क्या क्या गप्पो शप्पो वाला हमारा ये रूम है, ये रूम बचपन का यादगार रूम है ये हमारा, नमाजे, चाय, खाना पीना, इस ड्रेसिंग टेबल में तैयार होना, डब इज मैच से लेकर टिकटॉक तक का सफर, टिकटॉक का सफर, शादी से पहले से लेके शादी के बाद तक का ये बच्चों वाला सफर, अल्लाह ताला का मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करूंगी, शुक्रगुजार करूंगी, शुक्र अदा करूंगी, अदा करूंगी कि मैं यार कहां तुम कहां, ईशल कहां, और हम लोगों को अल्लाह ताला ने ज्वाइन कर दिया और हमें मिलवा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। एक टाइम पर पाकिस्तान कराची में ही है वाकई, और हमारी दोस्ती अभी तक कायम है, वरना किसकी है, किसी की भी नहीं है। हम लोगों की जो फ्रेंडशिप थी ना वो सिर्फ हम तीन की ही बाकी है, बाकी और जितनी भी दोस्तें थी ना सब अलग अलग हो गई एक दूसरे से, लेकिन हम तीन नहीं हुए। बिल्कुल, और अल्लाह ताला सो कायम और दायम रखे, हमेशा सलामत रखे, और अब तो दोस्तों वाली बात ही नहीं है, हमने तो हमेशा एक दूसरे को बहने ही समझा, एक फैमिली समझा है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखे, अल्लाह हाफिज़।